हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा बोया का M1 माइक आ चुका है और मैं पिछले एक हफ्ते से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस बोया M1 माइक का रिव्यू देने वाला हूँ। क्या आप लोग को 2021 में बोया M1 माइक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये सारे डिटेल्स मैं आज आप लोग को इसी वीडियो में देने वाला हूँ। और हम लोग इस माइक के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं, जिसका रिजल्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को बोया M1 माइक का फुल रिव्यू देता हूँ विथ एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये है बोया बाई M1 माइक का बॉक्स और अब हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले जब आप लोग इस बॉक्स के फ्रंट साइड में देखेंगे तो सबसे ऊपर में आप लोग को बोया का ब्रांडिंग मिल जाता है। इस माइक का एक फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये माइक कैसा दिखता है और नीचे में ब्लू कलर का कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। तो बॉक्स के स्टार्टिंग में आप लोग को ये चीज़ लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद जब आप लोग इस बॉक्स के नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपैटिबल विथ और यहाँ पे कुछ लोगोस बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक स्मार्टफोन का लोगो बना हुआ है, इसका मतलब हमारा जो माइक है वो स्मार्टफोन पे सपोर्ट करता है। और यहाँ पे टैबलेट, कंप्यूटर, कैमरा और वीडियो कैमरा का भी माइक, ये पांच चीज़ का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। मतलब ये जो बोया M1 माइक है ये पाँचों चीज़ के साथ सपोर्टेड है। आप लोग ये पाँचों चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं इस माइक को। और साइड में यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि इस माइक को कहाँ पे हम लोग को लगाना है। उसके बाद नीचे की तरफ इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ में कंपैटिबल है, स्मार्टफोन, कैम रिकॉर्डर, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, PC एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ में ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है। और आप लोग को साइड में भी एक बोया का ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाता है। और पीछे की तरफ इसके कुछ स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स दिए हुए हैं। हम लोग ज़्यादा डेप्थ में इसके नहीं जाएंगे, मैं बस आपको बता देता हूँ इसमें आप लोग क्या फीचर मिलता है। ये बोया M1 जो माइक है ये एक कंडेंसेसर वाला माइक है, मतलब कि इसका जो साउंड है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का आता है। और इसमें एक और फीचर है कि जो आसपास का साउंड रहता है ये उसको कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एकदम ट्रैफिक वाले भीड़ में जाके इस माइक से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये जो माइक है ये पता लगा लेगा कि आपका वॉइस कौन सा है और ट्रैफिक का वॉइस कौन सा है। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैफिक वाले वॉइस को कम कर देगा और आपका वॉइस को और इन्हेंस कर देगा। इससे आपका जो ऑडियो क्वालिटी है और भी अच्छा हो जाता है। तो ये इस माइक का सबसे बड़ा फीचर है। चलिए, बॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होगी, अब चलिए इस माइक को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या किट देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंदर में कुछ इस तरह का दिख रहा है कुछ। अब चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो जब आप लोग इसको निकालेंगे तो इसमें आप लोगों को कुछ पेपर्स दिया हुआ है। तो ये हम लोग ने बॉक्स के अंदर का सारा सामान यहाँ पे निकाल के रख दिया है और हमारा जो बॉक्स है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है। अब हम लोग इसको कहीं साइड पर रख देते हैं। अब बात करते हैं इसमें आप लोग क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप लोग को एक कार्ड देखने को मिल जाता है। ये जो कार्ड है ये एक वारंटी कार्ड है। तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था इसलिए मेरे पास जो बिल है वही मेरा वारंटी कार्ड एज वर्क करेगा। अगर आप लोग इस माइक को ऑफलाइन लेंगे तो जो शॉपकीपर होगा वो इसको फिल करके आपको ये कार्ड बना के देगा। तो मैंने इसको ऑनलाइन लिया था इसलिए मेरा जो बिल आया है इसके साथ वो एक एज ए वारंटी कार्ड काम करेगा। तो मैंने उस बिल को संभाल के रख दिया है। अब इसमें आप लोग को चाइनीज़ में भी देखने को मिल जाता है। ये जो कार्ड है हमारे पास ये दो लैंग्वेज में है, इंग्लिश और चाइनीज़। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो बोया M1 माइक है ये चाइनीज़ माइक है। तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि ये जो माइक है ये चाइना से आया है। चलिए अब इस वारंटी कार्ड को साइड में रख देते हैं और अब बात करते हैं आप लोग को पाउच में क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये जो छोटा सा प्लास्टिक का पाउच है हम लोग इसको उठा लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर दो चीज़ हैं। एक तो शायद तक कोई सिलिकॉन बैग है और एक हम लोग को एक पिन मिल जाता है। तो ये दो चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाता है। और इस पाउच में आप लोग को और भी कुछ टूल्स देखने को मिल जाता है, उसको मैंने ऑलरेडी माइक के साथ असेंबल कर लिया है तो वो मैं आप लोग को अभी दिखा दूँगा। तो अभी के लिए आप लोग को इसमें दो चीज़ देखने को मिल जाता है, एक तो सिलिका बैग इसमें दिया हुआ है और एक हम लोग को एक पिन मिल जाता है। अब ये पिन किस काम में आता है ये भी हम लोग इसी वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। और इसके साथ आप लोग को एक यूज़र गाइड देखने को मिल जाता है।
इसके अंदर माइक को यूज़ करने का प्रोसेस लिखा हुआ है कि कौन सा बटन किस काम का आता है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को ये सब कुछ बता दूंगा। तो ये जो बुक है ये हम लोग को दो लैंग्वेज में मिल जाता है, चाइनीज़ एंड इंग्लिश। तो ये आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाता है, ये देखिए चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो दोनों में से जो भी लैंग्वेज आपको आता होगा आप वो पढ़ सकते हो। तो इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है आप लोग उसको पढ़ के समझ सकते हो इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब बात करते हैं माइक के बारे में। तो माइक में आप लोग को एक बैग देखने को मिल जाता है, ये बैग बोया कंपनी की तरफ से आया हुआ है और ये जो बैग का फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा है। ये बैग जो है बहुत ही कैरी करने में आप लोग को इजी होगा, अगर आप लोग उसमें माइक को अपने रख के कैरी करेंगे कहीं भी तो बहुत ही सेफ रहेगा आपका माइक इस बैग के अंदर। और ये जो बैग है ये थोड़ा सा लेदर टाइप का आता है, ये रियल लेदर तो नहीं है लेकिन ये फेक लेदर है, उसका आपको यहाँ पर बैग देखने को मिल जाता है लेदर फिनिश के साथ। और ये बैग की क्वालिटी भी काफ़ी हाई है और इसमें बोया की ब्रांडिंग भी दी हुई है। तो मैंने अपने माइक को बैग से बाहर निकाल दिया है, अब चलिए माइक की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये माइक का जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, मतलब इसमें आप लोगों को बहुत ही लंबा वायर देखने को मिल जाता है। और इस वायर का लेंथ की बात करें तो इस वायर का जो लेंथ है वो है 6 मीटर, मतलब आप लोगों को 6 मीटर का वायर का लेंथ देखने को मिल जाता है। आप लोग इस वायर को 6 मीटर की दूरी से भी यूज़ कर सकते हो। और आप लोग को यहाँ पे एक पिन देखने को मिल जाता है जिसको आप लोग अपने स्मार्टफोन में अटैच करोगे तब आपका ये माइक वर्क करेगा। अब एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे जो स्मार्टफोन आते हैं जो महंगे वाले स्मार्टफोन होते हैं उसमें आप लोग को ये चीज़ देखने को नहीं मिलता, आपको 3.5 mm जैक उस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे स्मार्टफोन हैं महंगे वाले जो वन प्लस सैमसंग या फिर एप्पल की तरफ से जाते हैं, उसमें आप लोग को 3.5 mm जैक मिसिंग मिलता है। तो अगर आप उस टाइप के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते, आपको कोई कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। और आप लोग को इसमें एक वेल्को देखने को मिल जाता है जिससे आप लोग अपने वायर को इस तरह से बांध के रख सकते हो, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने अपने वायर को अच्छे से टाइट कर लिया है और इतना लंबा लेंथ मेरे को नहीं चाहिए बिकॉज मैं अपने वीडियोस को टेबल पर बैठ के शूट करता हूँ और मेरे को इतनी लंबी वायर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको बांध के रखा है। उसके बाद आप लोग को इसमें एक सिलेंडर सा इस टाइप का कुछ देखने को मिल जाता है जो कि एक सिलेंडर के शेप में है। तो इसमें आप लोग एक स्विच देखने को मिल जाता है और ये जो हमारा सिलेंडर है वो खुल भी जाता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें आप लोग एक स्विच देखने को मिल जाता है और ये सिलेंडर के अंदर आवाज़ को प्रोसेस किया जाता है। अब आपको इसके सामने बहुत सारा वायर देखने को मिल जाता है, उसको भी मैंने यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। और देखिए ये है हमारा मेन माइक। अब मैंने आपको बताया था ना पाउच में कुछ और टूल दिए गए थे, तो इसी माइक का क्लिप और ये जो स्पॉन्ज आप लोग देख रहे हैं ये वाला ब्लैक वाला, ये उस टूल में दिए गए थे। तो ये दोनों हम लोग को पाउच के अंदर मिला था, मैंने इसको असेंबल कर लिया है। तो ये चीज़ आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, आपको बस अपना स्मार्टफोन लेना है। स्मार्टफोन में जहाँ से हम लोग हेडफोन लगाते हैं या फिर एयरफोन लगाते हैं आपको वहाँ पे इस माइक को लगा देना है। जब आप लोग अपने माइक को 3.5 mm जैक पे लगाओगे तो आपका जो माइक है वो फ़ोन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं तो मे बी आपका ये जो फ़ोन है वो माइक को सपोर्ट ना करे। तो अगर आप कोई पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं, पुराना एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या फिर आपका जो फ़ोन है थोड़ा सा पुराना है और अगर आपका कैमरा पे ये माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप लोग ओपन कैमरा नाम का एक एप्लीकेशन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन पे ये डायरेक्टली सपोर्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है कि आपका जो माइक है वो फ़ोन के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप लोग ओपन कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ करके इस माइक को यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बात करते हैं ये जो वायर में हम लोग को सिलेंडर दिया हुआ है ये क्या चीज़ का है। तो ये जो सिलेंडर ये पूरा मेटल का बना हुआ है और ये शायद स्टील या फिर कोई मेटल है, ठीक है, और ये पूरा ब्लैक कलर का है और इसमें एक बोया की ब्रांडिंग दी हुई है। इसमें क्या होता है, हमारा जो साउंड है वो रिकॉर्ड होने के बाद इसमें प्रोसेस होता है और उसके बाद ये हमारे स्मार्टफोन को भेजता है, मतलब कि ये जो चीज़ है ये कंडेंसेशन के थ्रू काम करता है और ये हमारे वॉइस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, तो इसलिए ये चीज़ दिया हुआ है। और इसके बीच में जो ग्रिप दिया हुआ है अगर आप लोग इसको ग्रिप के साथ से घुमाओगे तो ये ओपन भी हो जाता है। अब इसको ओपन करके क्या होता है, इसके अंदर एक बैटरी लगता है, जो घड़ी वगैरह में हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं या फिर कोई खिलौने में यूज़ करते हैं उसी टाइप की बैटरी यहाँ पर लगता है। तो अगर इसका बैटरी ख़त्म हो जाए आप लोग किसी भी वॉच की दुकान में चल जाइए जहाँ पर घड़ी वगैरह मिलता है वो लोग इसका बैटरी आपको दे देंगे, तो आपको इस टाइप का बैटरी यहाँ पे मिलता है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक बैटरी दिया हुआ रहता है उस पाउच के अंदर, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक बैटरी दिया हुआ रहता है और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये स्विच के बारे में, कि स्विच में आप लोग को दो ही चीज़ मिल जाता है, कैमरा एंड स्मार्टफोन। जब आप लोग इसको स्मार्टफोन पर यूज़ करेंगे तो आपको इस स्विच को स्मार्टफोन मोड पर रखना है,
और जब आप इसको कैमरा के साथ यूज करेंगे तो आप लोग इसको कैमरा मोड पे रख सकते हो। अगर आप इसको पीसी वगैरह में यूज़ कर रहे हो तो आप लोग दोनों रख के देख लीजिएगा किस में आपको वॉइस अच्छे से आ रहा है और आप लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो स्मार्टफोन के लिए आपको सबसे पहले इसको स्मार्टफोन मोड पे शिफ्ट करना है और फिर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में, हमारा माइक। अब ये जो माइक है ये बहुत ही छोटा सा है, इसका जो साइज़ आप लोग देख लीजिए ये ऑलमोस्ट मेरे अंगूठे के बराबर है। तो आपको बहुत ही छोटा सा माइक इसमें मिल जाता है और इसका जो स्पॉन्ज है वो निकल भी जाता है। ये जो स्पॉन्ज है ये दिया हुआ रहता है बिकॉज जो आपका आसपास का जो विंड का साउंड होता है, आप लोगों ने कभी कोई नोटिस किया होगा जब आप लोग ऐसे वीडियो बना रहे हो तो विंड का भी साउंड उसमें आ जाता है। तो ये जो स्पॉन्ज दिया हुआ है इससे क्या होता है, जो विंड का साउंड है वो इसमें नहीं आ पाता है, मतलब हवा इसके अंदर नहीं जा पाता है, इससे हमें जो विंड का साउंड है वो नहीं आता है। तो हवा का साउंड को रोकने के लिए इस स्पॉन्ज का यूज़ किया गया है। अब इससे पहले मैं एक और माइक का यूज़ करता था, ये बोया M1 माइक, तो मैंने नया लिया है। इससे पहले मैं इस माइक का यूज़ किया करता था। ये जो माइक है ये अराउंड 200 रुपये का है। मैं बोया M1 की प्राइस भी आप लोगों को बता दूंगा इसी वीडियो में। ये जो माइक मैं जो मैं पहले यूज़ करता था ये 200 का माइक था और इसमें कोई भी कंपनी का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था, ये बस नॉर्मल माइक था, ठीक है। और अगर आप दोनों के केबल को देखोगे तो मेरा जो पुराना वाला माइक था ना उसका जो केबल था वो हल्का सा बड़ा था, तो ये सारे स्मार्टफोन में फ़िट नहीं हो पाता था। होपफुली मेरे स्मार्टफोन में ये माइक तो फिट हो जाता था, लेकिन सभी स्मार्टफोन में एकदम फिट नहीं हो पाता जो मेरा पहले वाला माइक था। और इसमें एक और दिक्कत थी कि इसमें का जो बॉर्डर है, मतलब ये जो माइक ऊपर का जो प्लास्टिक दिया हुआ रहता है ये बहुत ही बड़ा था। तो जब मैं पुराने वाले माइक को यूज़ करता था तो उसके लिए मेरे को मोबाइल कवर को निकालना पड़ता था, और जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता था, मैं अपने कवर को बार बार निकालता था और फिर लगाता था। तो ये प्रॉब्लम मेरे को पुराने वाले माइक में देखने को मिली थी, मेरे को अपने मोबाइल का कवर को निकाल के फिर इस माइक को यूज़ करना पड़ता था। और ये जो नया वाला माइक है उसमें मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाता हूँ। नया वाला माइक का मतलब कि बोया M1 का माइक का पिन बहुत ही अच्छा है। और इसका जो माइक है आप लोग देख सकते हैं, मेरा जो पुराना वाला माइक है वो बहुत ही बड़ा है और जो मैंने नया वाला लिया है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो बोया M1 की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरे जो पुराने वाले माइक है उसका साउंड क्वालिटी उतना अच्छी नहीं है। हाँ, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब तक आप जो मेरी वॉइस सुन रहे थे वो बोया M1 से शूट हुई है, मतलब कि ये वीडियो मैं बोया M1 से ही बना रहा हूँ तब से, और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आप लोग बोया M1 की वॉइस को सुन रहे थे। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको बोया M1 की ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी, तब से आप लोग मेरे वो ऑडियो को सुन रहे हो, तो आप लोग मेरे को इसके ऑडियो क्वालिटी कमेंट करके बता दीजिए। तो गाइस अभी आप लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो ये अभी मैं फ़ैन ऑन करके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी आप लोग ये देखिए ये जो मेरा फ़ैन है, ये जो फ़ैन है ये फ़ैन बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ करता है, इसलिए मैंने इस वाले रूम में आके इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो मैंने अभी इस फ़ैन को एकदम फुल स्पीड पर रखा और मैं बोया M1 माइक को यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा फ़ैन है वो ऑन है और आप लोग अभी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कर ही सकते हो कि एकदम नॉइज़ में कैसा काम करता है। अभी देखिए ये जो मेरा कूलर है मैं इसको ऑन करने वाला हूँ फुल स्पीड में और फिर हम इसका ऑडियो टेस्ट करेंगे। तभी मैं कूलर का स्विच ऑन कर देता हूँ। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हमने अपना कूलर को भी ऑन कर दिया है और मैंने अभी अपना कूलर को फुल स्पीड पे रखा है। अब आप लोग मेरे साउंड क्वालिटी को सुन के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इतने ज़्यादा नॉइज़ में भी ये कैसे काम करता है। तभी बाहर में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, आप लोग सुन ही सकते हो। अभी मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जा रहा हूँ, फिर आप लोग देखिए यहाँ पे इस रूम में कितना ज़्यादा नॉइज़ है। तो अभी आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं बोल रहा हूँ तो ये जो मेरा फ़ैन का जो ऑडियो है वो कम हो जा रहा है, और फ़ैन और कूलर का आवाज़ कम हो जा रहा है और मेरा जो ऑडियो है ये और भी ज़्यादा लाउड हो जा रहा है। और जैसे ही मैं चुप हो जा रहा हूँ तो ये देखिए फ़ैन का आवाज़ कितना ज़्यादा आपको सुनाई दे रहा है। तभी मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ, देखिए। तो मेरे शांत होने पर ये आसपास की वॉइस को भी रिकॉर्ड करने लग जाता है, और अगर मैं बोलता रहता हूँ तो ये सिर्फ मेरे वॉइस को ही रिकॉर्ड करता है। तो इसीलिए ये माइक मैंने परचेज़ किया है बिकॉज इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और ये एक कंडेंसर वाला माइक्रोफोन है, और ये जो माइक है ये माइक बैकग्राउंड नॉइज़ को बहुत ज़्यादा कम कर देता है जब मैं बोलता हूँ तो, ठीक है। तो अभी आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो और इस रूम में कितना ज़्यादा नॉइज़ है वो भी आप लोग देख लीजिए। और मेरा जो पुराना वाला माइक था उसकी ऑडियो क्वालिटी एवरेज थी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी थी, बोया M1 की माइक बहुत ही अच्छी है, और लेकिन जो पुरानी वाली माइक है उसकी ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। आप लोग मेरे पहले के वीडियोस जाके देख सकते हो कि मेरे ऑडियो क्वालिटी कैसे है, तो आप लोग मेरे पहले वाले वीडियोस में जाइए वहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी पुरानी वाली माइक की ऑडियो क्वालिटी जो कि सिर्फ 200। अभी स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक पिन दिखाया था, ये वाला पिन आप लोगों ने तो याद रखा ही होगा इसको।
अब ये पिन किस लिए दिया गया है बोया M1 में? तो ये जो पिन है, सबसे पहले हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं पाउच से। तो ये हम लोग ने अपने पिन को बाहर निकाल दिया। अब ये पिन बहुत ही बड़ा है अगर आप इसको 3.5mm जैक से कंपेयर करोगे तो। और ये जो 3.5mm जैक है ये इसके पीछे लग जाता है, उसके बाद ये हमारा जो पिन है ये और भी बड़ा हो जाता है। और इस पिन का यूज़ क्या है? जब आप लोग DSLR या फिर कैम रिकॉर्डर में इसको यूज़ करोगे तो ये वाले पिन का ज़रूरत पड़ेगा। ये जो पिन दिया हुआ है ये बेसिकली DSLR के लिए दिया हुआ है, DSLR को यूज़ करने के लिए। तो अगर आप लोग DSLR या फिर कोई कैमरा वगैरह यूज़ करते हो तो आपको इस पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे को अभी तो इस पिन की ज़रूरत उतनी नहीं है, तो मैं इसको रख देता हूँ। इन फ्यूचर अगर मैं DSLR वगैरह परचेस करूँगा तो मेरे को इस पिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको संभाल के रख देता हूँ। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। अगर आप लोग 2021 में बोया M1 माइक को लेना चाहते हो तो आप लोग एकदम ले सकते हो। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, और मैंने अभी तक जितना इस माइक को यूज़ किया है मेरे को ये माइक बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आप लोग के सामने पूरा रिजल्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इस माइक को लेके जितना भी मेरा ओपिनियन था वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब इस माइक को लेके आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और मैं सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये माइक कैसा लगा और क्या आप लोग इस माइक को परचेस करोगे या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और साइड में आप लोग को दो वीडियोस दिख रही होगी, आपको उस पर क्लिक करना है और मैं आप लोग को वहाँ पर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।